नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार पर बदलने की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से नगर पालिका परासिया में भाजपा पार्षद और सभापति बल्लू नागी को जिला बदर किया गया है। बल्लू नागी पर पिछले 4 वर्षों से कोई केस दर्ज नहीं था और जो पुराने किस्से उसमें कोई भी गंभीर केस नहीं था, सब छूट फूट केस कॉलेज के चुनाव के संबंध में थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1990 के तहत ये प्रावधान है कि पिछले 2 वर्षों से केस दर्ज ना हो तो जिला बदर नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर द्वारा सभी नियमों के विरुद्ध जिला बदर आदेश प्रेषित किए जो कि स्वार्थ अनुसूचित है। हम इसका विरोध करते हैं। लगातार जो निर्णय प्रदेश में लिए जा रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता मोर्चा और हमारे सरकार ने जो वंदे मातरम गीत पे जो बैंड खेल लगाया उसका भारतीय जनता पार्टी यहाँ विरोध करती है। उन्हें उसको चालू किया जाए ऐसा मध्य शासन से मांग करते हैं। इसके साथ ही अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे वार्ड नंबर 13 के पास है रवि श्री नागी और पेशे जो वकील हैं जनभागी अध्यक्ष के ताले के स्कूल में छात्र हैं, अध्यक्ष बने और देश को कार्रवाई पूर्व उनके जो मामले तो राही दृष्टिकोण से मामले थे उनके उनको जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता, विधायक कार्यकर्ताओं में काफ़ी दुख हुआ है और इसलिए हम ज्ञापन माननीय राज्यपाल को निवेदन करना चाहते हैं कि इसको पुनः विचार करते हुए उनके जिला बदर की कार्रवाई को रद्द करते हुए उन्हें जिले में आने की अनुमति प्रदान करें। ऐसी हमारी मांग है और हम अधिकारिक रूप से ऐसे भी आग्रह करना चाहते हैं, मतलब शासन से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य राजनीतिक भावना के साथ ना करें। भारतीय जनता पार्टी हर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर उसका सड़कों पर आंदोलन करेगी और जनजागरण अभियान चला के जनता को बताएगी कि जो जनता ने कुछ ही मतों के अंतर से आंकड़ों से कांग्रेस सरकार बनाई है वो सरकार किस तरह से अन्याय कर रही है जनता पता चलता है। छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।